यहाँ पर मस्त आराम करते हैं लोग, सो जाते हैं, लेट जाते हैं पूरा। ओ लाला अम्मा इधर इधर आओ, पकड़ लाए तुम्हें, पकड़ ले चलेंगे अपने घर अभी हम। सो फाइनली हम गोवा आ चुके हैं, देख सकते हैं पीछे मेरे, और ये रहा अरम्बोल बीच। तो स्वागत करता हूँ सभी का नमस्ते भारत यात्रा का एक और नया एपिसोड में, और मेरे साथ पता है अचानक के दोस्त मिले मेरा, देख सकते हैं, अरे मैं संदीप जी, बूम करने वाले, बहुत मजा हम लोग गोवा में, चलो चलिए मजा आएगा अभी, नाइट लाइफ भी दिखाएंगे यहाँ गोवा। अच्छा हम लोग क्यों दिखाएंगे ना, बिल्कुल बहुत मस्ती करने वाले हम लोग, किसी अंग्रेजों को पकड़ के बात करने वाले हैं अंग्रेजों से ना, भारत माता की जय बुलवाना है आज। बड़े हरामी हो, संदीप जी मुंह में पानी जरा कैसा लग रहा है, खारा खा रहा है पूरा, जितना नमक खा रहा है, नमक का पानी पी रहा है, ऐसा लग रहा है। लोनार को गया, लोनार बाहुबली को मारने वाले हैं, कटप्पा मारेंगे। ये हमारे हॉस्टल मेट है 12 मंथ से। सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रॉम वेयर? वाओ, व्हाट यू हैविंग, व्हिच फ्लेवर? पेरिस। पेरिस ये बेला दी यू बाय, यू नो हिंदी? व्हाई? I teach you Hindi. Oh, no, you cannot learn from my screen. Mera naam Omar. I know a better word. Joe. Who taught you? People. People? It's a useful word. God. It's not useful word. Bad language. It's bad language. You should not tell them Namaskara. Namaskaram. गाली दे रहे हैं क्या, गाली दे रहे हो, पता नहीं उनको गाली कौन सिखा दिया उनको, संदीप जी स्विट्जरलैंड का गाली दे रहा है। ये एक्चुअली हमारी गलती है, हम लोग उनको गाली सिखाते हैं, गाली सिखा करके यहाँ पे गाली, और कोई भी चीज कहीं भी जाइए बुरी से जल्दी सिखाते हैं, मस्त एंजॉय करते हुए दूसरे देशों तो आते हैं लोग, यहाँ पर मस्त आराम करते हैं लोग, सो जाते हैं, लेट जाते हैं पूरा। मस्त जबरदस्ती पूछ रहे हैं अंग्रेज वाले से, आइसक्रीम लो आइसक्रीम, क्या भैया छोटे छोटे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं मस्त, देख सक रहे हैं आप लोग। ओ लाला अम्मा इधर इधर आओ, पकड़ लाए तुम्हें, पकड़ ले चलेंगे अपने घर अभी हम। इधर लगता है सुबह सुबह मछली मारते हैं लोग, लोग देख सकते हैं इधर सांप मिला हुआ, मरा हुआ सांप है, ये देखिए जाल है, नाव में सुबह सुबह जाते लोग मछली मारने के लिए अंदर, तो ये फंसा होगा इधर सांप फेंक दिया लोग। तो जी हम लोग गोवा में इधर रुके हुए हैं 12 मंक्स होटल में, हॉस्टल भी बोल सकते हैं इसको, आइए अंदर से दिखाते हैं नज़ारा इसका, और ये देख सकते हैं इधर मस्त बैठने के लिए बना हुआ है 12 मंक्स के, ये मैनेजर रहे हैं सचिन भाई, हाय सचिन भैया, ये बेलगाम से हैं, बेलगाम से ना। तो जी अगर आप लोग आ रहे हैं बेलगाम से कोई हो, मेरे दोस्त तो बहुत तनाव करते हैं, तो अगर आ रहे हैं तो इधर 12 मंक्स का मैं एड्रेस डालूंगा मैं, तो कुछ डिस्काउंट दे देंगे भैया, ये कुछ नहीं जरूर डिस्काउंट मिलेगा बहुत, जैसे हम लोग को डिस्काउंट दिए हम दोनों को, हम संदीप जी को डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट दिए हम लोग को, बट लॉन्ग पीरियड डिस्काउंट चाहिए तो एक दो दिन नहीं रहे, एक दो दिन नहीं मतलब आप चार पाँच दिन छः दिन सात दिन रहने वाले हैं तो जरूर डिस्काउंट देंगे भैया, पाँच दिन के अभाव रहेगा तो डिस्काउंट हो जाएगा, तो पूरा हमारा फैमिली जैसे हम रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सबसे हम पूरा फैमिली जैसे ही करते हैं। तो अभी खाना नहीं मिलता है अपना, अभी फिलहाल में अभी ऑफ सीजन है तो किचन क्लोज है, सीजन में अगर सितंबर के बाद में हमारा किचन स्टार्ट होता है, तो सितंबर से अप्रैल या तो मार्च एंड लास्ट होता है कि किचन, उसके बाद से हम ऑर्डर लेना बंद करते हैं। तो पानी नहीं, बस नहीं सकता, हाँ पानी मिल सकता है, हमारे पास वाटर बॉटल भी है। अच्छा बस पानी मिलेगा, अभी सीजन नहीं चल रहा अभी इसके लिए, और कोई भी गेस्ट का कुछ भी ड्रिंक्स रहता है तो हम ड्रिंक्स अलाउ नहीं करते, तो उनका ओन ड्रिंक्स ला के वो फ्रिज में रख के बियर वियर रख पी सकते हैं, हमारे पास सिटिंग एरिया है तो उसमें ड्रिंक्स इंजॉय करते हुए फूड भी इंजॉय कर सकते हैं इन सीजनेबल टाइम। और ए रहा हम लोग का रूम,
हॉस्टल जैसे रूम है, ऊपर मेरा नीचे संदीप जी का, जो कि पड़ा 200 रुपये पड़ा है, एक लोग का 200 रुपये पड़ा है। और हम दोनों लोग एक्चुअली आप ज़्यादा रेट था तो अंकल से बात करके कन्वेंस करके हम लोग सस्ता कराए हैं इसका। ये एसी रूम है और इधर टॉयलेट बाथरूम, और इसमें फ्रिज भी मिलेगा देख सकते हैं आप लोग। एसी रूम है जो कि पड़ेगा ये एक दिन का 1800 रुपये पड़ेगा। तो जी गोवा में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर पानी बहुत महंगा है, पानी मिलेगा मतलब दुकान पे आप जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए समोसा वोसा या कुछ भी खाना खाने जाएंगे तो बहुत कम दुकान पे पानी नहीं रखे होंगे लोग, पानी नहीं रखते हैं लोग, बोलते हैं पानी खरीद के पियो। तो हम लोग जिस अभी हॉस्टल में हैं उसमें पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग खुद पानी सेल्फ खरीद के लाना पड़ता है। तो हम लोग एक दिन 5 लीटर का वाटर खरीद लाए, 5 लीटर का जो कि पड़ा था 70 रुपये का, तो हम लोग खरीद लाए इसको, तो एक दिन में ख़त्म हो गया ये। तो फिर हम लोग सोचे कि अभी हम लोग को 5 दिन और रहना गोवा यहाँ पर, तो हम सोचे कि हम लोग अच्छा 20 लीटर का ले लेते हैं हम लोग, तो इसका 80 रुपये पानी लेके आए और 150 रुपये का डिपॉजिट जमा किए हैं। तो हम लोग ऐसे डिब्बा सोच समझ कर आप लोग 20 लीटर का पानी लीजिए, बस सस्ता पड़ेगा अच्छा पड़ेगा। वाओ, और हम बोल बीच पे हैं हम लोग, और देख सकते हैं साइड में कोने में रंग बिरंगा घर है और पहाड़ों के ऊपर पहाड़, नीचे रंग बिरंगा घर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देख सकते हैं आप लोग पीछे, ये देखिए। और वैसे घर नहीं है, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट वगैरह है। तो जी उस टाइम बहुत तेज धूप लग रहा था, हम लोग उस टाइम बंद कर दिए थे ब्लॉगिंग, तो अभी भी शाम हो गई है देख सकते हैं, 5:30 हो रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पर सुने यहाँ पर जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर अंकल और एक सच्ची नाम का जो मैनेजर है वो बोले हैं कि यहाँ पर स्वीट लेक है। पहाड़ों के बीच में बना स्वीट लेक, ये रहा स्वीट लेक। तो आज ये चलते हैं पास में और पानी देखते हैं कैसा है, स्वीट लेक नाम है। तो जी ये रहा स्वीट लेक, वाह वाह कितना क्लीन है पानी, वाह वाह। तो जब हम लोग स्वीट लेक से आ गए हैं कुछ खास नहीं लगा हम लोग को। हाय भैया। हाँ जी, ये मेरे भैया मिले हुए हैं इधर जिस हॉस्टल में हम हैं, इसी हॉस्टल में ये भी आकर रुके हुए हैं, ठहरा हुए हैं। तो क्या नाम है भैया? भाई मेरा नाम है तानिश और मेरे चैनल का नाम ब्लॉगर तानिश है। तो मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ और सेम कंपनी होगी, भाई भी ब्लॉगर था तो यहाँ पे मैं इजीली एंटर कर लिया था, वो कोई किसी ने नहीं रोका। तो इसका सीन ऐसे ही है, फॉरनर के साथ घूमता है, यहाँ का लोकल बंदा है। तो अभी 50-100 देंगे तो तब हम एंटर कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया यार, ये एक तरह की करप्शन समझ लो। और दूसरी बात ये, अभी ये क्यों मना कर रहे हैं, यहाँ पे जो हिपीज रुकते थे ना रशियन लोग, तो उनसे कुछ ड्रग्स पकड़ा गया है जिसकी कोई वैल्यू थी यार 1.5-2 करोड़। तो वो यहाँ पे ड्रग्स ला के पूरे इंडिया में सेल कर रहे थे। तो जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस यहाँ पे आई तो वो लोग भाग गए, तो यहाँ से ड्रग्स पकड़ा गया। इसलिए अब बिल्कुल भी नहीं किसी को जाने देते। तो अगर आप भी यहाँ का आने का प्लान कर रहे हो तो बस स्वीट लेक देखो, घूमो, नहाओ और चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप 2 किलोमीटर चले जाओगे अगर पकड़े गए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हम आपको कंसर्न पर्सन को पकड़ा देंगे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो पकड़ाने का मतलब यही है कि लोकल पे आपको सुनवाई होगी नहीं और आप बस पैसे दे के फिर छूटोगे। और बहुत मुश्किल भाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेंशन किया फिर भी तुम लोग जा रहे हो। भैया अभी इसको हम लोग तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना है। और जो हम लोग जा रहे थे एक्चुअली जो जा रहे थे ऐसे ही, वो टकलू अंकल है ना वही मना कर दिया, बोलो बोर्ड पड़े पड़े हैं, तुम लोग बोर्ड पड़े हैं नहीं जाना, फिर नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेना हम लोग को, क्योंकि हमको पूरा भारत यात्रा करना है, इसलिए नो रिस्क। तो चलो भाग भाग के सनसेट देखने के लिए आए सिर्फ ये नज़ारा देखने के लिए से भाग के आए हम लोग। तो जी थप्पा लग चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नाचने के लिए, ये ओपन पब है।
बर्थडे मिल रहा है एक एक महीना पहले बर्थडे बर्थडे बॉय हैप्पी बर्थडे संग बॉय हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे बहुत लोगों का बर्थडे मनना है यहाँ पर। ये रही कैफे, यहाँ पर सिर्फ अंग्रेज लोग मिलेंगे आपको। कैफे का नाम है ये जर्मन बेकरी और यहाँ से शुरू होती है मार्केट इस तरफ जी। अगर आपको खरीदना भी होगा तो ये रहा जर्मन बेकरी के साइड में। तो जी ये रहा बेल्ला चाओ का। रेडियम से चमकेंगे गणेश जी, तो ये पूरा रेडियम आर्ट है जो कि लाइट में चमकता है। तो जी ये रहा बैग का दुकान, लेदर बैग मिलेगा यहाँ पर, जूते भी मिलेंगे यहाँ पर। आप खुद ही बनाते हैं? अच्छा, आपका खुद का फैक्ट्री है। अच्छा, साइना लेदर का क्राफ्ट है। ये लेडीज बैग, मस्त मस्त। चलिए यहाँ के लोकल के मार्केट में घूमते हैं। यहाँ सुरमा की दुकान है और जस्ट सामने यहाँ पर बहुत महंगा महंगा होटल है और खाने के लिए मस्त रेस्टोरेंट है। हम लोग को एक इस मार्केट में एक दुकान मिली है स्टोन की, जैसे अच्छे अच्छे चीज़ें यहाँ पत्थर उत्थर रखते हैं, घर में रखने से अच्छा सोच आता है ये सब रखने से। भैया अंकल से परमिशन लिया हम लोग अंदर जाने के लिए, दे सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ना, मस्त मस्त है। ये कितने का है? ये कितने का है? 80,000 का है। नाप जैसे बना हुआ है। यहाँ पर इतना सारा पत्थर रखा हुआ है, सबका रेट अलग अलग है। तो ये 200 का है, उसी का टुकड़ा 200 का, इसे छोटा लेंगे 100 रुपये का। ये पूरा देखना है टोटल, ये 80,000 का है। बाप रे, यूपी बिहार मिल गए हैं, यूपी बिहार चला रहे हैं, तो सुन कर रहा है यहाँ पर। मेडिटेशन के लिए दे सकते हैं आप लोग। अच्छा, ऐसे पकड़ कर इसको थोड़ा दबा के ऐसे, इसको दबा कर ना ऐसे, ऐसे देखिए आ रहा है जब आने लगा आवाज, और ऐसे ऐसे आवाज। और ये क्या है? ये 7 मेटल से बना हुआ है, मेटल से है। तो इसका रेट है 4,000 और इसका 2,500 का बोले। ₹25 ये क्या बोल रहा है मालूम है आपको? ये किसके वाइब्रेशन है? ये वो तो हम गोवा की निशानी लिए हैं और अपना इंडिया भारत का लिए हैं। ये भैया के पास थे जो कि हम लोग बिहार के भैया हैं, मस्त रेट लगा दिए हैं, मस्त रेट लगा दिए हम लोग को। तो संदीप जी भी लिए हैं और हम भी लिए हैं, दो थैंक यू भैया। थैंक यू सर भाई, इसके लिए इतना रेट लगा दिए, चुली है 70-80 रुपये से नीचे हम नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, जो कि हम लोग को दिए हैं 40 रुपये लगा दिए हैं। पकड़ा दिया हूँ मैं आपको इतना सस्ता नहीं, अगर आपको अगर चाहिए ताजा मेरे संपर्क करो, एकदम पूरा एकदम अपना प्राइस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इश्क में बड़ा दिल, छोटे पैक में बड़ा दिल, छोटे पैक में। तो जिसको हैप्पी ड्रम बोलते हैं, संदीप जी हैप्पी ड्रम बजाते हुए। और म्यूजिक का सब सामान मिलेगा यहाँ पर, सारे गिटार वगैरह सब मिलेंगे, दे सकते हैं आप लोग। ये बजाने वाला, ये ले आकर बीच में बजा सकते हैं आप लोग मस्त, पर इसका रेट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। ये देखो ढोल, बहुत सारे ढोल हैं यहाँ पर, दे सकते। तो जी 10 बजने का आया और दुकान सारे अभी बंद होने लगे हैं, अभी दे सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये भी दुकान बंद हो रहा है और कुछ हो भी गया है।
बस एक ही चीज मिलेगा वहाँ पर, जो गलत चीज है पीने के लिए, बस उसका ही दुकान खुला रहेगा, बाकी धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। अभी गाल वाल तेरे सुरख गुलाबी लगते मैं एप्पल वर्गे, आस पास तेरे जो मंडराए मुंडे सब टैपल लगते। गाल वाल तेरे सुरख गुलाबी लगते मैं एप्पल वर्गे, आस पास तेरे जो मंडराए मुंडे सब टैपल लगते। ठंडी